बुलंदशहर ब्रेकिंग। बुलंदशहर दौड़ते करंट के दरमियान हाई वोल्टेज लाइन को चोरी करने वाले गिरोह के 15 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोर एनसीआर के तमाम जनपदों से एचटी लाइन के तार चोरी की वारदात को देते थे अंजाम। एचटी लाइन चोरी के आरोप में गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से एक कार, दो बाइक, एक पिकअप और कैंटर समेत लाइन काटने के उपकरण किए बरामद। गिरफ्तार आरोपियों का बताया जा रहा है कि लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। पकड़े गए 15 तार चोर दिल्ली, हापुड़, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, बहराइच आदि अलग अलग जनपदों के रहने वाले हैं। सिकंदराबाद पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किए गए तार चोर गिरोह के सदस्य हैं। आर चेतना न्यूज के लिए संजय कुमार सियाना की रिपोर्ट। ये कुछ दिनों पूर्व जनपद बुलंदशहर में तार काटने की घटना हुई थी, जिसमें की जो नई लाइन्स बिछ रही थी उनको टारगेट किया जा रहा था और सुनसान एरिया जो ऐसे गांव के बीच से ये टावर बिछ रहे थे उन सबको टारगेट किया जा रहा था। इस घटना के अनावरण के लिए थाना सिकंदराबाद और एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिसके क्रम में आज कुल 15 लोगों के एक गिरोह को पकड़ा गया है और इनके पास से चोरी किया गया माल और चोरी करने के उपकरण इत्यादि बरामद हुए हैं। ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड गैंग है जिसके सभी सदस्य इस तार काटने में एक्सपर्टीज हासिल किए हुए हैं। ये विभिन्न जनपदों के रहने वाले हैं। इनमें से इन 15 में से जो अभियुक्त पकड़े गए हैं वो फर्रुखाबाद, हापुड़, अलीगढ़, मैनपुरी, दिल्ली, बुलंदशहर, अलीगढ़, बहराइच और मैनपुरी के रहने वाले लोग इस गिरोह में शामिल हैं। ये लोग जाड़े के मौसम में कोहरे का फायदा उठाकर ऐसे सुनसान एरियाज में टावर्स को टारगेट करते थे और वहां से तार काटते थे। इनके पास से जो बरामदगी हुई है एक बलेनो कार, जिससे ये रेकी किया करते थे और जो कि इन्होंने इसी चोरी के पैसे से खरीदी थी, वो एक पिकअप गाड़ी, एक कैंटर, एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जो कि रेकी में इस्तेमाल होती थी और एक डिस्कवर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। जो कैंटर इनके पास से बरामद हुआ है उस पे ये तार को चोरी करके ले जाते थे और उसके बाद फिर ये विभिन्न कबाड़ियों को बेच देते थे। इनके पास से भारी मात्रा में जो चोरी किया गया तार है वो बरामद हुआ है और कुछ अन्य इनके पास से उपकरण बरामद हुए हैं जिससे कि ये घटना कारित करते थे। इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भी है और इन सभी लोगों को पूछताछ करते हुए, इनका आपराधिक इतिहास संकलित करते हुए इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और इस टीम को जिसने कि ये सराहनीय कार्य किया है इसको मेरे द्वारा 25,000 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। ठीक है।